हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिव्लॉग में। तो आज की वीडियो में कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ स्पेशल बात करने वाली हूँ, कुछ लोगों को मैसेज देने वाली हूँ ताकि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि यहाँ षड्यंत्रकारी बहुत सारे हैं। और क्योंकि बहुत सारे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो वो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए पहले ही मैं अपने सपोर्टर्स को अवगत करा देती हूँ, उनको सावधान करा देती हूँ। कल के टाइम पर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये हरकतें पहले भी लोग कर चुके हैं तो अब भी करने से बाज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों को गलत फहमी है कि मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, तो उनको बता दूँ मैंने तुम्हारी वीडियो का अनसब्सक्राइब करके नोट इन ट्रस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो इतने बड़े, जो कहते हैं ना, मूर्ख को जिताने में ही हमारा जीतना है, तो अगर मूर्ख को लगता है कि हम हार गए तो उसमें ही हमारी भलाई है, ठीक है। तो मुझे कुछ मूर्ख लोगों से बिल्कुल भी ना तो बात करनी है, ना कोई कॉन्टैक्ट रखना है, किसी भी चीज़ से कोई मुझे मतलब है ही नहीं, ठीक है। मेन बात यह है कि आज मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जिनको लोगों ने बहुत कोशिश की, उनका जो माइंड है वो तो लोगों ने बहुत कोशिश की, लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करने के लिए कि हाँ हम मतलब परिव्लॉग के खिलाफ लोगों को भड़काना है कि ये यूपी से है, ये भी है, ये फलाना है, ढिकाना है। लेकिन जो मैंने कमाया है ना, जो इज्जत और प्यार कमाई है ना, तो वो मेरे सपोर्टर कल भी मेरे सपोर्ट में खड़े थे, आज ही मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, और लाइफ टाइम वो मेरे सपोर्ट में रहेंगे, किसी के बहकाने से वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने फेक, क्योंकि मैं ना तो कुछ फेक करती हूँ और ना मैंने फेक लोग कमाए हैं, मैंने जो प्यार और इज्जत कमाई है ना वो अपने ओरिजिनल चाहने वालों से बनाई है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव होता है लोगों की हेल्प करना और वो मैं करती हूँ। तो अब कुछ लोग, आज मेरे पास कोई मैसेज आए थे कि बोला जा रहा था कि इंस्टाग्राम पर आओ और वहाँ चुपचाप कर लो, जो करना है मैं किसी को नहीं बताऊँगी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, मैं स्क्रीनशॉट लूँगी और वहाँ बताओ कौन है ये आकाश, फेक है, बताओ वहाँ फेक है, ये है वो है। तो मैं आज कल वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मैं उन मैडम से हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगी कि आप मेरा रोज़ फ़ोटो लगाएं अपनी वीडियो पर, मेरी रोज़ वीडियो निकाल के अपने चैनल पर डालें, मुझे ना तो कोई फ़र्क पड़ता है और ना मैं उस चीज़ पर ध्यान देती हूँ, ठीक है। मैं ध्यान उस चीज़ पर देती हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जिसके ऊपर मुझे काम करना है, ना कि इन जैसे गैरत लोगों पर कि मैं इनकी वीडियो देखूं, इनके फिर इनके ऊपर वीडियो बनाऊं। ये लोग मुझे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको भोकलाएं फिर से, हम इसको बोलें, इसको ऐसा करें कि हमारे ऊपर वीडियो बनाए, ये करें वो करें। तो सॉरी जी, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करती हूँ ये करके कि लोग मेरी लोगों को चैनल चलें, जो सबसे नीड की ज़रूरत होती है। अगर मेरा फ़ोटो लगाकर, मेरी वीडियो लगाकर कुछ लोगों का घर चल रहा है, कुछ लोगों को खाने के लिए मिल रहा है या कुछ लोगों का चैनल चल रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे चेहरे से, मेरी वीडियो से कुछ लोगों का घर चल रहा है, कुछ लोगों को खाने के लिए दो टाइम की रोटी मिल रही है और कुछ लोगों का चैनल चल रहा है। तो अगर मुझे उस चीज़ से रिलेटेड कुछ एक्शन लेना होता तो मैं ले लेती, ठीक है, मेरे लिए दो मिनट का काम था, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ ये करके कि चलो बेचारे अगर चला रहे हैं, मेरा फेस लगा लगा कि इनका चैनल चल रहा है तो चलने दीजिए, ठीक है। मैं आगे निकल चुकी हूँ और मैं अपने काम पर फोकस करना है मुझे, ना कि मूर्ख होके मुँह लगना है, ठीक है। एक इंसान होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इंसान मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। और जो कहना कि इंस्टाग्राम पर आकर बात कर लो, तो सॉरी, ठीक है, मुझे तुम जैसे लोगों से इंस्टाग्राम पर बात करना तो बहुत दूर की बात, तुम जैसे लोगों की शिकल देखनी पसंद नहीं है, ठीक है, तुम जैसे लोगों की शक्ल देखनी भी मैं पसंद नहीं करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। जो ऐसे लोग, इतने घटिया गिरे हुए लोग सोचते हैं कि मैं उनसे इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टैक्ट करूँगी, भूल जाओ, ठीक है। दिमाग में अगर यहाँ कुछ बैठा है ना तो निकाल दो, तुम जैसे लोगों की शक्ल देखनी तक पसंद नहीं है मुझे। और कुछ बोलती है कि अपनी गलती मान लो, ना तो गलती की ना कभी मानूंगी, ठीक है। मैं ऐसा कोई काम करती ही नहीं हूँ कि मुझे बाद में उस काम के लिए गलती माननी पड़े किसी से, तो ना तो गलती की है और ना कभी गलती मानूंगी। तो भाड़ में जाएं आप लोग, मुझे अपना काम करना है और अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। ना तो मुझे कुछ गलती माननी है, कुछ गलती मैंने की नहीं है, और ना ही तुम जैसे घटिया लोगों से कोई कॉन्टैक्ट रखना है, ना ही तुम जैसे घटिया लोगों की शक्ल देखनी पसंद नहीं करती हूँ, बात करना तो बहुत दूर की बात है,
और रही बात इस चीज़ की कि आकर की आकाश कौन है, तो आकाश का जिसके साथ चक्कर था उसे पता होगा आकाश कौन था आकाश कौन नहीं है। ठीक है, मैं अब टॉपिक पे कुछ बोलना ही नहीं चाहती। जो मुझे बोलना था कि साइबर क्राइम में जाओ, वहाँ जाकर निकलेगा सारा सच, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि मंदिर में चले गए, घाट डाल दिए, कर लिया, लेकिन चलो जो कुछ जिसकी मान्यता होती है उसने माना, लेकिन भगवान जी नहीं बताएंगे कि आकाश कौन है या क्या निकलेगा। अगर कोई बताएगा तो वो साइबर क्राइम ऑफिस में ही बताया जाएगा कि क्या रियलिटी है और क्या झूठ है। अगर कोई इंसान सच्चा होता तो वो अब तक वहाँ तक जा लिया होता। और रही बात बच्चों से कि हमारा नेता कैसा हो, ये वाली मैं बहुत इस वो देख रही हूँ कमेंट, हमारा नेता कैसा हो, घात लगाने वाली मैडम जैसा हो। ठीक है, तो बच्चों को लेके खूब रैली निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काम करने को तो मैं 10 औरत बुला के अपने मोहल्ले की 10 आदमी बुला कर यहाँ बिठा कर उनसे बुला सकती हूँ कि ये जो चैट है ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है, सब कुछ बुला सकती हूँ, लेकिन मैं उस लेवल तक ना तो गिरी कभी और ना गिरना चाहती। ठीक है, उस लेवल तक मैं गिरना नहीं चाहती हूँ, ना मैं उस लेवल तक कभी गिरूंगी, ना मैं इतनी गई गुजरी कि इनके चैनल पर जाएं, इनकी वीडियो देखें, करो लें, फिर उस पर से कुछ पॉइंट निकालें, कुछ इनकी क्लिप डालें और फिर वीडियो डालें, तो भाई इतने वेले हम तो ना हैं, ना इतने वेले हमें बनना, क्योंकि हमें बहुत काम है, सिर्फ इनकी वजह से ही हमारा चैनल नहीं चलता, और ना मैं इनकी वजह से चलाना है, ना मैं इनका थोपड़ा लगाना अपने चैनल पर पसंद करती हूँ। सिर्फ मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि कल के टाइम पर ऐसा ना हो कि ये फेक लोग हैं। पहले भी मेरी फेक आईडी बनाई गई थी मैडम जी ने, उन्होंने फेक आईडी बनाने की डिग्री ली हुई है, ठीक है, आप ये मान लो कि फेक आईडी में इन्होंने पीएचडी की हुई है। तो कल के टाइम पर ऐसा ना हो कि मेरे ना की फिर से फेक आईडी बना दी जाए इंस्टाग्राम पे और कल को दिखा दिया जाए कि मैंने तो ऐसे ऐसे परी ब्लॉगर देखो मुझसे गलती मान ली, तो मैं कोई गलती नहीं मानने वाली, ना मैं इनसे कोई इंस्टाग्राम पर बात करने वाली हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे इनसे कोई चैट करने वाली हूँ। तो ये भाड़ में जाएं, अपना काम करें, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत पहले मूव ऑन कर चुकी हूँ और मैं वही कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, लोगों को सतर्क करना और सावधान करना कि कल के टाइम पर अगर ये कोई फेक आईडी बनाकर मेरी और कमेंट स्क्रीनशॉट लगा दे यूट्यूब पर कि देखो देखो परी ब्लॉग ने मुझसे गलती मान ली, देखो देखो परी ब्लॉग ने बता दे कि ये फेक आईडी है, तो मैंने ना तो कोई बात करूंगी इनसे, ना कोई चैट करूंगी कभी, ना कभी इनका थोपड़ा देखना पसंद है मुझे, ना कभी इनसे बात करूंगी। ठीक है, तो सॉरी बोलना तो भाड़ में गया। ठीक है, तो कल के दिन अगर ऐसा कुछ होता है, मेरी कुछ फेक आईडी बनाकर कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं, तो आप लोगों को पहले सतर्क कर दूं कि वो फेक आईडी बनाई जाएगी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जो झूठा इंसान होता है ना वो किसी भी हद तक जा सकता है, एक झूठ को छुपाने के लिए सू झूठ बोल सकता है। और मुझे सिर्फ यही कहना था इस वीडियो के थ्रू कि कुछ लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें कि कुछ लोग फेक आईडी बनाने में पीएचडी ली हुई है, तो वो कल के टाइम पर अगर मेरी फेक आईडी बनाकर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल करते हैं या बोलते हैं कि हमसे ऐसे ऐसे बात हुई है, तो वो आईडी वो चैट मैंने नहीं की है, वो फेक बनाई गई होगी। अगर कुछ आता है ऐसा तो वो बता देती हूँ पहली, वो चैट मैंने नहीं की है किसी से भी, वो फेक चैट बनाई जाएगी और फेक आप लोगों के सामने रखी जाएगी। इसलिए पहले ही आप लोगों को सतर्क कर देती हूँ कि ताकि आप लोग कल को ये ना हो कि विचलित ना हो कि दीदी ऐसा हुआ है, आप कैसे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो पहले बता दूँ अगर कल के टाइम पर ऐसा कुछ आता है, कुछ होता है, तो आप समझ जाना कि दीदी ने आपको पहले बता दिया कि वो फेक होने वाला है, वो फेक होगा, क्योंकि वो यही काम करते हैं, वो लोग फेक आईडी बनाने में उन्होंने पीएचडी ली हुई है, और उन जैसे बदतमीज गिरे हुए लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और ना लाइफ में कभी देखना चाहूँगी। ठीक है, और फिर बोल दूँ मेरे नाम की खूब वीडियो बनाओ, खूब मेरे फोटो लगाओ, खूब मेरी वीडियो डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सच्चा आदमी होता है वो अकेला ही बहुत होता है और वो निडर होता है, जो झूठ होता है उसको डर लगता है और वो बौखलाया फिरता है, तो वो सब कुछ सामने आ ही रहा है और धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो एक दिन सच जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है पर सामने आ जाता है, क्योंकि जो सच होता है ना वो कभी नहीं हारता, बेशक देर से जीते पर जीत जरूर जाता है। तो लाइफ में बहुत काम करना है, बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, बहुत सारे लोगों की सपोर्टिंग वीडियो बनानी है, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और धन्यवाद कि आप लोग इन जैसे
दुष्ट आत्माओं की बातों में नहीं आए और आप मेरे साथ ना तो कभी छोड़ा और ना कभी छोड़ोगे। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे आंसू, मैं रो रही थी तो भाई ये लोग आए होंगे मेरे आंसू पूछने के लिए, क्योंकि मैं ना तो कभी रोई हूँ ना कभी रोती हूँ। ठीक है, मैं तो कोई काम करती नहीं हूँ कि मुझे बाद में उसके लिए पछताना पड़े या बाद में मुझे किसी से उसके लिए कोई गलती माननी पड़े। मैं तो कोई काम करती ही नहीं हूँ, जो काम करती हूँ बहुत फोकस करके बहुत सोच समझ के करती हूँ। तो आगे से इस वीडियो पर टॉपिक बनाना, इस टॉपिक पर वीडियो बनानी सिर्फ इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि कुछ लोग फेक हैं और कल को कुछ फेक ला के आप लोगों के सामने रख कर बोल दे कि ये परी लोग ने किया, तो मैंने वो कुछ नहीं किया होगा और ना मैं कभी करूँगी। मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ, ना तो मैं इसे कभी इंस्टाग्राम पर बात करूँगी, ना कभी किया है और ना कभी मेरी से कोई बात होगी। ठीक है, तो धन्यवाद।